थपकी थपकी प्यार की। ये तो हमारा मतलब है कि तुम्हें सच में यही अंगूठी लेनी। क्यों ना लो, पिछली बार कितना, इस बार भी कुछ करने का इरादा है क्या? पिछली बार मतलब ऐसा क्या किया था विहान जी ने? नथिंग श्रद्धा, फैमिली सीक्रेट, ब्रदर्स यू सी। फैमिली सीक्रेट हाँ। वैसे ये अंगूठी भी बहुत प्यारी है ध्रुव, तुम्हारी पसंद तो बहुत अच्छी है। वो तो है। खुशबू आ रही है अच्छी वाली। ध्रुव जब अंगूठी खरीद के आएगा ना, तब खिलाऊंगी उसे। उसे बहुत पसंद है हलवा। तुम ही ठूंस लो। बड़ी ससमा, ये मैं इसमें डाल दूं? सूजी भून गई है, चलो लाओ पानी डालो इसमें। अरे बस बस बस, इतना पानी डालते हैं कोई? बड़ी ससमा, आपने तो बोला पानी डालने के लिए इसमें। पानी मतलब इतना डाल दो? I'm really sorry, अब आइंदा से ऐसे गलती नहीं होगी। हाँ तुम गलती करती रहो, मैं ठीक करती रहूं। गलती करने के अलावा कुछ आता है तुम्हें? बुद्धि इनम प्राण घातकम। देखो क्या मैसेज आया है, मेरा फोन उठाओ। अरे वाह, हीरे की अंगूठी। बड़ी ससमा हमारे लिए, देखो बड़की, देखो देखो। अरे थैंक यू बड़ी ससमा, कितनी अच्छी डायमंड है। तुम्हारे लिए नहीं है, मेरी होने वाली पढ़ी लिखी समझदार बहू श्रद्धा के लिए है। लो फोन भी आ गया उसका, उठाओ फोन, स्पीकर पे लगाओ, बात कराओ मेरी। हेलो। हेलो आंटी, आपको रिंग कैसी लगी? बहुत सुंदर है, तुम्हारी पसंद सच में बहुत अच्छी है, तुम पर बहुत जचेगी। मुझ पर नहीं आंटी, आप पर। ये रिंग मैंने आपके लिए खरीदी है। मेरे लिए? हमारी सगाई में आपके लिए ये रिंग तो होनी चाहिए ना, आखिर आप दूल्हे की माँ जो है। पर मैं, अरे प्लीज आंटी मना मत कीजिएगा, मैंने बहुत प्यार से आपके लिए खरीदी है। मेरी तरफ से आपके लिए पहला गिफ्ट, आप अगर पहनेंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। अगर तुम्हें खुशी मिलेगी तो मैं जरूर पहनूंगी। अच्छा ये बताओ, तुमने अपने लिए अंगूठी पसंद की कि नहीं? वो तो सरप्राइज है आंटी, आपको जल्दी पता चल जाएगा। चलिए फोन रखती हूँ। ओके बाय बाय। देखा, कुछ सीखो इससे। अभी तक ब्याह करके इस घर में आई नहीं है, लेकिन घर वालों की कितनी फिक्र है, देखा। जल्दी से श्रद्धा बस इस घर में ब्याह करके आ जाए, तुम दोनों से छुट्टी मिलेगी मुझे। मंगलसूत्र, ये सिंदूर, ये सब क्या है? मैं तुम्हें समझाता हूं अदिति, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं और मैं अपनी होने वाली पत्नी की तस्वीर थोड़ी अखबार में छपवाऊंगा, वो भी ऐसी अश्लील अवस्था में। मेरी शादी तुड़वाई ना तुमने, अब देखना तुमसे शादी करके मैं अपना बदला पूरा करूंगा। आज के बाद रोज मर मर के जियोगी तुम। तुम्हारी हिम्मत के तभी दिवाकर, तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे ऐसे ब्लैकमेल करके जबरदस्ती मुझसे शादी कर लोगे? मैं मर जाऊं पर तुम जैसे घटिया इंसान से जिंदगी में कभी शादी नहीं करूंगी। अरे सोच के भी मुझे घिन आती है, घिन। रुको अदिति, इतनी जल्दी नहीं किया। यहाँ आओ,
घिन तो तुम्हें कल आएगी, वो भी अपने आप से, जब तुम्हारी और मेरी तस्वीर साफ साफ अखबार में छपेगी, वो भी दोनों के चेहरों के साथ। कल सुबह तक का टाइम है तुम्हारे पास, या तो मुझसे शादी करो या फिर अपनी और अपनों की बर्बादी देखने के लिए तैयार हो जाओ, अदिति दिवाकर मिश्रा। का काम तो हो गया, आप लोग चलिए अंगूठियां हम ले आएंगे। श्रद्धा, आई ड्रॉप यू, तुम गाड़ी में वेट करो, मैं पेमेंट करके आता हूं। बाय थपकी। बाय थपकी, ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? ये रिंग्स है। ये दोनों रिंग्स तो वो रिंग्स नहीं है जो आपने अपने और श्रद्धा के लिए पसंद किए। तो आई नो, ये तुम्हारे और बिहान के लिए। वो क्या है ना, तुम्हारे और बिहान की एंगेजमेंट नहीं हो पाई थी, वो अब होगी। मैं श्रद्धा से एंगेजमेंट तभी करूंगा जब तुम्हारे और बिहान की सगाई की रस्म पूरी होगी। जब तुम अपने हाथों से ये अंगूठी बिहान को पहनाओगे। सुनिए, वो दोनों अंगूठियां पैक हो गई हो तो हमें दे दीजिए। सर उसमें थोड़ा काम बाकी है, थोड़ा पॉलिश होने बाकी है सर। अच्छा, तो और कितनी देर लगेगी? आधा घंटा। तो आप एक काम कीजिए, उन्हें तैयार करवा लीजिए, तब तक हम पासी के रेस्टोरेंट में बैठकर कुछ खा लेते हैं। वैसे भी पेट में बहुत चूहे दौड़ रहे हैं। सर आप यहीं बैठिए ना, मैं इधर कुछ मंगा देता हूँ। हम बाहर ही बैठ के खाते हैं, आप अंगूठियां तैयार करवा दीजिए। जी ठीक। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि दिवाकर ऐसी घटिया हरकत कर सकता है। अब नहीं छोड़ूंगी इस दिवाकर को, इसे पुलिस में डलवा के रहूंगी। लेकिन उससे पहले माँ पापा पर भैया सबको सबको ये सच बताना होगा। मैं बताऊंगी। आज के अखबार में किसी लड़के लड़के की ऐसी अश्लील फोटो छपी हुई है। शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को, खासकर ऐसी लड़कियों को जो खुलेआम रंगरलियां मनाती हैं, वो भी पता नहीं किन किन लोगों के साथ। ऐसी लड़कियां अपने घर वालों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती हैं। क्या गुजरेगी इसके घर वालों पर जब उन्हें ये सब पता चलेगा? इसके माँ बाप तो शर्म के मारे मर जाएंगे। बेटी का रूप देखने से अच्छा है तो मर ही जाए। हेलो सर। हेलो मैम। हाँ सुनो, अब आप एक काम कीजिए, गर्मा गर्म छोले भटूरे ले आइए और मिर्च मत डालना, टच भी मत करना। मैं श्रद्धा से एंगेजमेंट तभी करूंगा जब
तुम्हारे और बिहान की सगाई की रस्म पूरी होगी जब तुम अपने हाथों से ये अंगूठी बिहान को पहनाओगे। एक प्लेट छोले भटूरे गर्मा गर्म बिना मिर्च के। सर मैम क्या लेंगी? मैडम क्या खाएंगी बता दें तो मेहरबानी हो जाए। तुम्हारा ऑर्डर। हाँ ठीक है। जब मैडम के लिए भी सेम ऐप पर फास्ट और ऐप पर फटाफट लेके आना। ओके सर। सुनो सुनो सुनो। जी सर। गर्मी बहुत है तो कुछ ठंडा पीने के लिए भी ले आओ। क्या अच्छा मिलता है? ब्लडी मैरी सर। क्या बात कर रहे हो? किसका ब्लड और कौन मैरी? सर ये ड्रिंक है। वही तो पूछ रहे हैं कौन ड्रिंक करेगा ब्लड मैरी का। नो सर मेरे कहने का मतलब है ये ड्रिंक का नाम है ब्लडी मैरी। हमारी किस्मत में सारे नाम ऐसे ही क्यों है? हमारी मैसेज का नाम भी कुछ ऐसा ही। जी सर। छोड़ो तुम नहीं समझोगे जो भी है ले आओ लेकिन जल्दी आओ। नींद आ रही? सब छोड़ के घर चले? नहीं। तो फिर अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर आओ और जहां हो वहीं रहो। चलो हमने ऑर्डर दे दिया आता ही होगा। हम जरा होके आते हैं। ये आपके छोले भटूरे। Excuse me भैया। Yes ma'am। भैया ये कैसे छोले भटूरे हैं? बिल्कुल फीके हैं। इसको आप लेकर जाइए और मसाले वाले लेकर आएगा जिसमें थोड़ी मिर्ची ज्यादा हो। लेकिन मैडम। भैया मिर्ची ज्यादा। ओके मैडम। लेकिन मैडम अभी आप चेंज करके लाइए ना। ये लीजिए। क्या बात अभी तक टेबल खाली खाना आया नहीं? सर ये क्या भाई पंजाब चले गए थे क्या लेने? आपके छोले भटूरे गर्मा गर्म। वाह जी वाह उन चंगा मजा आएगा छोले भटूरे खाने का। मिर्ची इधर आओ। तुम्हारे कानपुर में हड़ताल है क्या? तुमने मना किया था ना कि छोले में मिर्ची मत डालना तुमने भर के डाल दी। सर वो बिहान देखो इनकी कोई गलती नहीं है। ये तो छोले भटूरे लेकर आए थे पर वो बिल्कुल फीके थे तो मैंने मिर्ची वाले छोले लाने को कहा। मिर्ची खिला के मर्डर करना चाहती हो हमारा? तुम्हें पता है ना हम ज्यादा मिर्ची नहीं खाते। नाटक मत करो बैठो बैठो। तुम बिना मिर्ची वाला छोले खिलाकर दूसरों का मर्डर करना चाहते हो। तुम्हें पता है कि मैं ज्यादा मिर्च खाती हूँ अभी तुमने फीके छोले मंगवाए। अब तुम खड़े खड़े महाभारत का देख रहे हो। ये लेके जाओ दूसरी प्लेट लेके आओ और इस बार बिना मिर्ची के छोले भटूरे लेके आना वरना पूरे होटल की मिर्ची तुम्हारे मुंह में ठूस देंगे। सर। वो मैरी मैरी भी लेके आना। ये सर ब्लडी मैरी। सर कमाल है यार कैसे कैसे लोग आ जाते हैं यहाँ पे खाना खाने। अभी बिना मिर्च के छोले ऑर्डर करते हैं अभी मिर्च वाले छोले ऑर्डर करते हैं अब जनाब को फिर से फीके छोले चाहिए और वो भी ब्लडी मैरी के साथ। मॉकटेल के मॉकटेल? अरे मॉकटेल ही होगा। और वैसे भी ना आजकल के जमाने में मॉकटेल वाला ब्लडी मैरी कौन पीता है। तो एक काम कर दारू वाली बना चल जल्दी कर।
M for मस्त वाला, M for मजा आ गया, M for Mary PK. ये तो बहुत कड़वी है. तुम ठहरी आगरा वाली. अब तुमने आगरा के पेठे और नींबू पानी के अलावा क्या पिया हो? तुमसे नहीं हो पाएगा. और ये पूरी पी ली तो? चुक चुक गाड़ी, तुम रुक रुक कर ही पियो, तुमसे ना हो पाएगा. देखते हैं आप कौन नहीं पी सकता, तुम या मैं. सी फॉर चुनौती और सी फॉर चैलेंज, वो भी बी फॉर बिहान पांडे को. चलो देखते हैं. हो गई एक बार में हवा टाइट, हम तो भाई एक और लेंगे. भैया एक और ले. भैया मेरे लिए भी एक और. दो ब्लडी मैरी. बिहान पांडे से मुकाबला मत करो चुक चुक गाड़ी, ये कोई बास्केटबॉल का मैच नहीं जो तुम हमें हरा दोगी. मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें कहीं भी और कभी भी नहीं जीतने दूंगी. जब तो फिर वो जाने दो मुकाबला. भैया एक और. भैया एक मेरे लिए भी. सर आपके रिंग्स रेडी है. लाओ तो हम भी लेने के लिए रेडी हो गए. धन्यवाद. थैंक यू सर. मैडम अंगूठी आ गई. चले पहले तुम बी फॉर बिहान पांडे. तुम बोलो तुमने हार मान ली, तुम और ब्लडी मैरी नहीं पी सकते. बिहान पांडे कभी हार नहीं मानता और लड़कियों से सब बिल्कुल भी नहीं. ओए, मैं लड़की नहीं हूँ, मैं थपकी हूँ. थपकी थपकी. भैया और दो ब्लडी मेरी और जल्दी. हीरो एक और. सर ब्लडी मैरी नहीं है सर, सॉरी. सब खत्म. चार चुक चुक गाड़ी. धमकी. भैया ये ना ये मुझे बहुत बहुत परेशान करता है लड़का. भैया अरे वो तो चला गया. हाँ तुम भी चलो भैया. चलो 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 चलो, चलो.